इन्वेंट्री के यूनिट्स ना, ठीक है? और उसमें बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि हो सकता है कि आपको एनुअल डिमांड कैलकुलेट करने को कहा जाए, है ना। फिर एक और चीज हमने ये देखी थी, और वो क्या देखा था कि हो सकता है कि एनुअल डिमांड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स ना दियो, है ना, आपको सेल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो। तो क्लास वर्क नंबर 10 मैंने आपको कल होम असाइनमेंट दिया था, इसमें मुझे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी इसमें किसी को इश्यू आ रहा हो तो प्लीज जल्दी से रेज योर, जी पूछिए अहमद, क्वेश्चंस डायरेक्टली प्लीज पूछ लीजिए। जब मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस आप पूछें तो डायरेक्टली टाइप कर दें, टाइम ना वेस्ट करें। 15 days वाली बात क्या कह रहा है वो, कि 15 days का जो शबनम आपने क्लासेस ली हुई है ये डिस्काउंट वाली सारी, अच्छा तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, नहीं? अच्छा जी, पहले जरा 15 days वाली बात पे आ जाओ, फिर मैं डिस्काउंट वाली चीज पे क्लास के एंड पे दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है शबनम? 15 days की सेल्स वो क्या कह रहा है, एंडिंग इन्वेंट्री शुड बी इक्विवेलेंट टू 15 days की सेल्स। अब आपने क्या कहना है, आपने ये अज्यूम करना है कि आपकी जो सेल्स है ना वो इवन होंगी, इवनली होंगी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? ये बात हम वैसे कल भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, नो इश्यूज। किधर गया ये रहा, ठीक है? अब इधर आते हैं, जरा टोटल सेल्स फॉर द ईयर कितनी बनती है, टोटल सेल्स फॉर द ईयर आपकी बनती है, इन दोनों का टोटल आपने लेना है, किन दोनों का टोटल लेना है, क्रेडिट प्लस कैश सेल्स, राइट? तो 600,000 प्लस 1.2 मिलियन, ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा 600,000 प्लस 1.2 मिलियन, यानी कि 1.8 मिलियन आपकी टोटल सेल्स फॉर द ईयर है, ये यूनिट्स है, ठीक है? ये यूनिट्स में याद रखिएगा। तो मुझे बात बताइए पर डे कितनी सेल्स बनती हैं, पर डे आप कितने उस हिसाब से सेल करते हो, 1.8 मिलियन, 300 days की जो है वो आपने उसको बेसिकली बताया है ना। अब वो ये कह रहा है कि आपके जो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए ना, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 15 days का की सेल्स, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये पर डे हो गया ना, एक दिन की 6,000 यूनिट्स की सेल है, तो फिर 15 दिन की सेल्स कितनी होगी, 90,000। तो हम कह रहे हैं कि हम 15 दिन की सेल्स की इक्विवेलेंट क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अब बात क्लियर है, तो ये 15 days का ये हिसाब किताब है। अच्छा जी, एंड में टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए दोबारा डिस्काउंट फैक्टर क्यों लिया है, या आप मुझे खुद बताएंगे क्यों लिया है। क्लास वर्क नंबर 10 का सोल्यूशन मैं सामने खोल देती हूँ ताकि हम उसके थ्रू डिस्कस कर लें इसको। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने आपको कल कहा था कि इसके अंदर एरर है, ठीक है? और वो एरर क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, आ गया क्लास वर्क नंबर 10। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट कर ली, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये एरर है, ठीक है अहमद? एरर है ये, ठीक है? अच्छा जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आपने जो है वो एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, ईओक्यू, ठीक है? ईओक्यू के अंदर आपने इसको क्या किया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपने जो कैलकुलेट किया है ना वो ऑलरेडी क्या है, 98% हुआ हुआ है, ठीक है? तो 70.56। अब नीचे उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, फिर उन्होंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 4009 कह रहे हैं कि ऑर्डर्स होंगे। जब हम 18 एनुअल रिक्वायरमेंट से डिवाइड कर रहे हैं 4009 को, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जैक्टली 471.44 नहीं है, बल्कि आपने उनको राउंड ऑफ कर देना, तो 471 ऑर्डर्स। अब अगर आप 471.44 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर साइज एग्जैक्टली 4009 यूनिट होना था, है ना? अब आप 471 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, तो इसका मतलब ये कि आपका ऑर्डर साइज आपको एग्जैक्टली 1890 यूनिट्स चाहिए, 1890000 यूनिट्स चाहिए। तो अब आप 4009 यूनिट्स ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे, बल्कि आप कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे एक टाइम पे, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज आपका बन जाएगा 4013। आई होप इसमें किसी को क्लियर नहीं है कि हम ये क्यों रिकैलकुलेट करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और ये आपको रिकैलकुलेट हर हाल में करना है। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट में ये एक गलती हुई हुई है, 98% नहीं करना, ठीक है? 98% नहीं करना, सीधा सीधा 4013 ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 70.56, दैट्स इट।
ठीक है जनाब। और वो क्यों इस तरह से हो रहा है? क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर जो साइज है ना, इकोनॉमिक, अच्छा अब आप लोग क्या किया, कैसे पता चलेगा? पहले मैंने आपको क्या बताया था, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट करनी है इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, है ना? ये सबको याद है ना? अब आपको थोड़ी पता था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आता है ना? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आता है आपको थोड़ी पता था। तो पहले, सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि पहले आपने कैलकुलेट किया होगा यहाँ पे 72 यूज करके, इज दैट क्लियर? यानी कि इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं तो फिर आपने, अच्छा नु मैं बता देती हूँ, ठीक है, 72 आपने, फिर आपके पास जो यूनिट्स आए होंगे वो 4000 समथिंग आए होंगे, तो आपने कहा होगा कि ये तो ट्रेड डिस्काउंट की लेवल में फॉल करता है, ये भी कल हम लोगों ने, जी बिल्कुल ठीक किया अमन, बिल्कुल सही किया। फिर आपने कहना था कि भाई ये तो हमारे ट्रेड डिस्काउंट की मिनिमम रेंज के अंदर फॉल करता है ना? तो फिर आपने रिवाइज ईओक्यू, अब आपने उस वाले ईओक्यू को इग्नोर करके नए वाले ईओक्यू से सारी वर्किंग करनी है ना? अच्छा जी, रिवाइज ईओक्यू एसीसी इज नॉट इक्वल टू एओसी, मैंने आपको बताया तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये वाली फिगर गलत है, असली फिगर, ठीक फिगर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एनुअल कैरिंग कॉस्ट की करेक्ट अमाउंट जो है वो 138.747 नहीं आएगी, बल्कि इट विल बी 141,578। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर साइज एक्चुअली 4009 नहीं लिया, हमने लिया 4013, तो थोड़ा सा कुछ रुपीज में फर्क आएगा, टेंस में आ सकता है, हंड्रेड में आ सकता है। और बताएं, अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है रिवाइज ना करें, भाई रिवाइज करना है, इसमें अगर मगर की क्यों बात कर रहे हैं आप, करना है रिवाइज आपको, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप 4009 आप खुद ही देख लें, 471 ऑर्डर्स आपको चाहिए ना, अगर आप 4009 जो है वो लेते हैं, एक सेकेंड ये देखें, अगर आप ऑर्डर साइज लेते हैं 4009, अगर आप एक टाइम पे 4009 यूनिट्स ऑर्डर प्लेस करते हैं और आप टोटल ऑर्डर्स ले रहे हैं 471 ड्यूरिंग द ईयर, तो आपकी यहाँ पे देखिए क्या पोजिशन बन रही है, यहाँ पे आपके पास सिचुएशन ये आ रही है कि आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ये वो फुलफिल हो ही नहीं रहा, तो आपने शॉर्टेज तो नहीं लेकर आनी ना 471, ये देखें 1888, आपको तो 1890 चाहिए, इज दैट क्लियर? तो आपको राउंडिंग ऑफ करनी है, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, भले ज्यादा हो जाए कम नहीं होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस थोड़ा इकोनॉमिक ऑर्डर साइज को रिवाइज करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, 4013, अब हम कह रहे हैं ना मल्टीप्लाइड बाय 471, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है, ऊपर हो रहा है, ऊपर इज फाइन, ठीक है, 4013 मल्टीप्लाइड बाय, किधर गया, मल्टीप्लाइड बाय 471, ये 1890 123, तो 123 यूनिट्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट जी राउंड ऑफ करना लाजमी है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके डेसिमल्स में नहीं हो सकते ना, आप 471.44 ऑर्डर्स कैसे प्लेस कर सकते हो, यूनिट्स भी आपके डेसिमल्स में नहीं हो सकते, प्रैक्टिकलिटी भी तो देखिए ना। हाँ जी, जब भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स डेसिमल में होगा हम रिवाइज ईओक्यू निकालेंगे, बिल्कुल ठीक सना। एनुअल रिक्वायरमेंट में 90,000 क्यों ऐड किया, कहाँ पर है 90,000 एंडिंग इन्वेंट, बच्चे आप इस वाली चीज को इग्नोर करो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना जो मैंने आपको कल लिखवाया, ये फॉर्मूला, कितने सेल्स यूनिट्स कितने थे, सेल्स के यूनिट्स कितने हैं, गिव मी अ मिनट, सेल्स के यूनिट्स हैं आपके 1.8 है ना, 1.8, 1800000 सेल्स के यूनिट्स हैं, ओपनिंग यूनिट्स हैं 0, प्लस एनुअल रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड है ना, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी निकाली आपने 90,000, तो जब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो एनुअल डिमांड आपका कितना बनता है, आपको कितनी इस साल की जरूरत है, 1.8 मिलियन प्लस 90,000, इज दैट क्लियर ना, फॉर्मूला ये वाला यूज करें। हाँ जी, और डिस्काउंट हम इग्नोर नहीं कर रहे, और क्वेश्चन में उसने आपसे टोटल कॉस्ट नहीं मांगा हुआ, उसने सिर्फ एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मांगा हुआ है। तो जब उसने टोटल कॉस्ट नहीं मांगी हुई, उसने एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट और एस्टिमेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट मांगा हुआ है, तो फिर टोटल कॉस्ट में तो
इस सिनेरियो में क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व हो रहा है तो हम परचेज लेंगे अगर आपको किसी स्टेप के साथ कंपेयर करना है उसको। लेकिन वैसे देखिए बनता नहीं है ना, आप इग्नोर भी कर सकते हैं परचेज कॉस्ट, क्योंकि ईओक्यू अगर डिफरेंट उसमें फॉल कर रहा होता ना, अगर ऐसे होता है कि ईओक्यू पे ट्रेड डिस्काउंट ना मिल रहा होता और किसी दूसरे लेवल पे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा होता, फिर परचेज कॉस्ट हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाती है। यहाँ पे ईओक्यू पे डिस्काउंट मिल ही रहा है तो अगर अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। अब आप कहेंगे कि भाई जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो कैलकुलेट ही उस रेंज में हुआ है जहां पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसमें तो ये कोई सवाल बनता ही नहीं कि हम डिस्काउंट लें या ना लें। अब बात क्लियर है, तो इसमें फिर हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। जी उम्मे हबीबा आपका क्वेश्चन, एक सेकेंड मैंने मिस किया। एक सेकेंड किधर है हमें भी बात, दोबारा बाद में नहीं करेंगे ना बेटा। 98% ऑलरेडी हो चुका है, ये गलत है, मैंने आपको बताया 70.56 ऑलरेडी 98% के बाद है, ये आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, आपका करेक्ट कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपका ये है, एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 4013 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 70.56 स्ट्रेट अवे, बस जो आपके पास ये आंसर आ रहा है। डिस्काउंट वाले पॉइंट का यहाँ पे फर्क आ रहा है ना, ये चीज आ रही है 70.56 आपने किस तरह से कैलकुलेट किया, ओरिजिनल कैरिंग कॉस्ट आपकी आ रही थी 72, ओरिजिनल कैरिंग कॉस्ट कितनी है 450 मल्टीप्लाइड बाय 16%, और अब आपको आपने ईओक्यू पहले कैलकुलेट करना इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको पता चलेगा कि ईओक्यू जो है वो डिस्काउंट की रेंज में फॉल कर रहा है, ईओक्यू जो है वो मोर देन 500 यूनिट्स है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एक्चुअली इकोनॉमिक ऑर्डर साइज पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो ईओक्यू के लिए आप यूज करेंगे वो डिस्काउंटेड यूज करेंगे, डायरेक्ट डिस्काउंटेड कैरिंग कॉस्ट से। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट करेक्ट, वही तो कर रहे हैं जी। हर हर क्वेश्चन में पहले स्टेप पे आप ईओक्यू इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट निकालें, ठीक है, हर स्टेप में पहले आप ईओक्यू इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट निकालें। फिर कल मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि अगर ईओक्यू ट्रेड डिस्काउंट की रेंज में ऑटोमेटिकली फॉल कर रहा है तो क्या करना है, फिर रिवाइज ईओक्यू निकालेंगे। अगर ईओक्यू ट्रेड डिस्काउंट वाली रेंज में नहीं फॉल कर रहा तो फिर आपको डिसाइड करना है ना कि ईओक्यू पे करें या ट्रेड डिस्काउंट वाला फॉलो करें। अब बात समझ आई, बहुत सिंपल सी चीज है इसमें, आप लोग प्लीज कंफ्यूज ना हो, बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स मैं इस चीज को रिवाइज करना चाहूंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास देखें दो सिनेरियोस बनते हैं, ये मैं ट्रेड डिस्काउंट वाला सिनेरियो डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ट्रेड डिस्काउंट की सिचुएशन दी हुई है, तो अब यहाँ पे दो सिनेरियोज होंगे, दो सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। क्या सिनेरियो हो सकता है, एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, मैं क्वेश्चंस अब नहीं लेगी, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, मैं भी थोड़ी देर में फिर आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, पहले आप इस चीज को जरा देख लें। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है, अब दो चीजें, आप ईओक्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, पहला काम तो आपने यह क्या करना है, लाजमी तौर पे क्या काम करना है, यू हैव टू कैलकुलेट ईओक्यू इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ये तो आपने स्टेप वन में आपको मैंने लिखवा दिया, पढ़ भी लिया हमने, ईओक्यू इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जब आप ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो दो चीजें उसमें आ सकती हैं, या तो एक आएगा या दूसरा आएगा, क्या कि हमारा ईओक्यू के ऊपर ठीक है, या तो ये होगा या ये ओरिजिनल ईओक्यू जो है, या फिर क्या है ऑटोमेटिकली है ना, ईओक्यू डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिस्काउंट। तो अब इसके अंदर देखिए दो चीजें आ जाएंगी ना, फिर हमें डिसाइड करना है, हमें फिर डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना होगा कि शुड वी गो फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज ऑर्डर साइज, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम फिर क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अब हमें अगर ईओक्यू हमारा डिस्काउंट
वाली रेंज में नहीं फॉल करा तो फिर अब हमें डिसाइड करने का सिनेरियो बनेगा ना, हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर जाए, यानी कि हमारा जो ऑर्डर साइज है वो ईओक्यू हो, या हम क्या करें, हम डिस्काउंट वाली सिनेरियो को फॉलो करें. इज दैट क्लियर? और अगर ईओक्यू हमारा ट्रेड डिस्काउंट के उस रेंज में ऑटोमेटिकली फॉल करा तो फिर हमें कोई डिसीजन तो लेना ही नहीं है, हमें वी हैव टू गो फॉर व्हाट, वी हैव टू गो फॉर ईओक्यू एट और एज आवर ऑर्डर साइज. इसमें तो कुछ सिनेरियो बनता ही नहीं है. इज दैट क्लियर? अब बात समझ आई? ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब अगर ईओक्यू क्वालिफाई करता है फॉर डिस्काउंट, अगर ईओक्यू क्वालिफाई करता है डिस्काउंट, तो आपने तो ईओक्यू को ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करके जो है वो कैलकुलेट किया था, तो इस सिनेरियो में फिर क्या बनेगा, इस सिनेरियो में हमें रिकैलकुलेट करना पड़ेगा ईओक्यू विद डिस्काउंट. दूसरे सिनेरियो में हमें रिकैलकुलेट करना ही नहीं है. अब मुझे बात बताएं, थोड़ा समझ आया, क्लियर हुई बात? तो स्टेप नंबर वन पे आपको हर हाल में ईओक्यू कैलकुलेट करना है विदाउट ट्रेड डिस्काउंट, फिर आप उसको एनालिसिस करेंगे. अब इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ. एग्जांपल कॉपी मत कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कोई मैंने प्रिपेयर्ड एग्जाम्पल नहीं है, ये मैं अभी सिर्फ ऑन मतलब ऑन अ सडन विन जो है वो मैं आपको ये बता रही हूँ. ठीक है, सिनेरियो नंबर वन क्या है कि आपने ईओक्यू कैलकुलेट किया विदाउट डिस्काउंट. ठीक है, ईओक्यू विदाउट डिस्काउंट कैलकुलेट किया, तो ईओक्यू आ रहा है फॉर एग्जांपल 4000 यूनिट्स. ठीक है, और क्वेश्चन में मेंशनड है कि सप्लायर जो है ठीक है 2% का डिस्काउंट दे रहा है एट 5000 यूनिट्स और मोर. अब यहाँ पे डिसाइड करना है ना, अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आ जाएगी कि शुड वी गो फॉर ईओक्यू या शुड वी गो फॉर फॉर डिस्काउंट वाले यूनिट्स. मतलब हम क्या डिस्काउंट के उसमें जाएं, उसकी तरफ जाएं कि भाई उधर हमारी कॉस्ट कम होगी या हमारा ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कम होगी. तो यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, यहाँ पे जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी हमारी डिसाइड करने के लिए, वो टोटल कॉस्ट क्या हमारे पास हो जाएगी, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अब डिसीजन मेकिंग हमें क्या करनी है, हम पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू. ईओक्यू पे तो डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा, तो इस पे तो ओरिजिनल कैरिंग कॉस्ट लेंगे, है ना. और दूसरा हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे किस पे, एट 5000 यूनिट्स, दोनों पे जज करेंगे कौन सा लोअर है. और अगर आपके पास अब बताएं, अब आपका जो सप्लायर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है वो ऑफर कर रहा है 4000 यूनिट्स और मोर पे, अब बताएं क्या पोजीशन है. अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हमारा ईओक्यू जो है वो तो डिस्काउंट वाले रेंज को एंटाइटल्ड है. जी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, हमारा जो ईओक्यू है वो तो डिस्काउंट के लिए ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड है. तो अब मुझे बताएं क्या कोई डिसीजन आपने लेना है, डिस्काउंट की तरफ जाए या ईओक्यू की तरफ जाए, दोनों एक ही हैं. तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे एक्चुअली ये जो ईओक्यू हमने कैलकुलेट किया ना ये ठीक नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है, हमें ये पहले हमने 4000 यूनिट्स कैलकुलेट किए तो हमें पता चला कि ओहो इसके ऊपर तो डिस्काउंट भी बनता है. तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम रिवाइज ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे विद डिस्काउंट, ऑब्वियसली बिकॉज नाउ ईओक्यू इज एंटाइटल्ड फॉर डिस्काउंट एज वेल. तो इसमें कोई डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, अब कोई सवाल ही नहीं है. तो आप किस पे जाएंगे, यू विल गो फॉर ईओक्यू.
ईओक्यू विदाउट इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट आपको हर हाल में कैलकुलेट करना है सवाल में जो भी हो. प्लीज इसको मैं रिवाइज अब बाद में करा दूंगी. दोबारा अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आई विल डू इट एट द एंड ऑफ द क्लास लेटर. ठीक है, इस पे हमने बहुत टाइम लगा दिया है. ठीक है जनाब, तो अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नो वरी, आई विल रिजॉल्व योर इश्यूज, लेकिन आप मैं उसको थोड़ा डेफर कर रही हूं बिकॉज आई टू मूव ऑनवर्ड्स. ठीक है जनाब, अब आगे चलते हैं. अपने क्वेश्चंस लिखे संभाल के रखें, मैं फिर जब एंड में आपसे पूछूंगी तो तब आप मतलब आई कैन आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग और जिसको प्रॉब्लम होगा दे कैन स्टे बैक. ठीक है, लेकिन मैं इसमें अब क्लास में इसके ऊपर और टाइम नहीं देना चाह रही. चले जी अब आगे चलते हैं. अब ये चीज तो हमने देख ली. ठीक है, ये चीज हमने देख ली. हमने एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन क्लास वर्क नंबर 10 भी देख लिया. इसमें मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट पुराने एडिशन जो अभी तक मेरे पास सॉफ्ट में पुराना एडिशन ही मौजूद है उसके अंदर तो ये एरर है. ठीक है, अब नया एडिशन मेरे पास आएगा, मैंने मांगा हुआ है, अब ऐसी कि वो कब तक मेरे पास पहुंचता है, तो नया एडिशन आएगा तो फिर हम उसको देखेंगे कि उसमें ये वाले एरर्स है या नहीं. होपफुली नहीं होने चाहिए, तो मैंने आपको पिन पॉइंट तो कर दिया. ठीक है, अच्छा जी, अब एक छोटी सी इसमें बिफोर वी गो ऑनवर्ड इस हैंडबुक के अंदर अब एक छोटी सी डिस्कशन. ठीक है, और वो क्या है, अब आपको पता है नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है ना. अच्छा जी, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई हम लोग के पास जो हम चीज खरीदते हैं ना, ठीक है, जो चीज हम खरीदते हैं वो इस नेचर की है कि हमें पता है कि हमारे पास आते आते उसमें से कोई चीज टूट जाएगी. फॉर एग्जांपल मैं डीलर हूँ ग्लास बॉटल्स की. ठीक है, मैं डीलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, डीलर हूँ. अब मुझे ये बात पता है कि मैं खरीदूंगी ना ग्लास बॉटल्स, एक जगह से मैं ग्लास बॉटल्स खरीदूंगी और मैं आगे जाके बेच दूंगी. बाय द वे ईओक्यू अप्लाइज ऑन बोथ अ डीलर एंड अ मैन्युफैक्चरर. ईओक्यू बस आपको ये बताता है कि आपने कितना माल खरीदना है. या तो वो माल रॉ मटेरियल हो सकता है या वो माल फिनिश गुड हो सकता है इन केस ऑफ अ डीलर. ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मैंने ग्लास बॉटल्स एक जगह से खरीद के आगे बेचनी है. ठीक है, अब मुझे ये बात पता है कि ग्लास बॉटल्स का नेचर ऐसा है कि मेरे पास आते आते, यानी कि मैं जब सप्लायर से खरीदूंगी तो मेरे पास आते आते मैंने ऑन द बेसिस ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एवरेज मैंने ये एक्सपेक्टेशन एक बिल्ड की हुई है कि मेरी जो 5% ऑफ ग्लास बॉटल्स है ना फॉर एग्जांपल वो मेरी हो जाएंगी लॉस्ट ये परचेजिंग के टाइम पे. ठीक है, परचेजिंग के टाइम पे मुझे ये बात पता है कि मैं परचेज करूंगी तो मेरे पास पहुंचते पहुंचते 5% ऑफ द बॉटल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है. ये मैं पुराने हैंडबुक से पढ़ा रही हूँ. ठीक है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको अभी खुद से दे रही हूँ. चलें जी, तो अब मुझे बताइए, अब आप हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट, आपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, तो आप मुझे बात बताइए परचेज करते हुए क्या आप इस 5% के नॉर्मल लॉस को माइंड में नहीं रखेंगे. अब आपको मैं अगर कहूँ कि यू नीड, अब आपको आगे जो सेल करने है ना, आपको जो आगे सेल करने है तो यू नीड आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, एनुअल रिक्वायरमेंट वो है फॉर एग्जाम्पल 1,80,000. तो मुझे जरा इस सिनेरियो को वो करके वर्कआउट करके बताएं. यू नीड एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी, यू नीड यानी कि आपकी जो आपको जो आगे जरूरत है वो है 1,80,000 यूनिट्स. तो मुझे बात बताइए हमारी एनुअल डिमांड कितनी होगी, एनुअल डिमांड यानी कि परचेज, एनुअल डिमांड क्या आपकी परचेज, तो हमारी परचेज कितनी होगी जरा मुझे वर्कआउट करके बताएं. मैं अगर आपको कहूंगी 5% मेरा नॉर्मल लॉस है, 9,000 ऑफ व्हाट, शाहरुख जरा वर्कआउट करें, बिल्कुल ग्रॉस अप करना है लेकिन किस तरीके से करना है. अच्छा, एनुअल डिमांड इज 1,89,000. अच्छा जी, और कोई डिफरेंट आंसर है, अच्छा एक सेकेंड, ये बल्कि डेसिमल्स में आंसर आ रहा है 189473, दिस इज द राइट आंसर मोहसिन, 189474. सबने गलत वर्किंग किया सिवाय फरजीन और मोहसिन के, 189. इतना आसान हर चीज को मत लें. अब मेरी बात, ये मैं प्रॉपर एग्जांपल अभी आपको लिखवाऊंगी. ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, तो ये थोड़ी सी बल्कि इसको मैं बल्कि चेंज कर देती हूँ, जिधर की मैं मिनट को मार के 10% करते हैं.
ठीक है 10% लॉस कर देते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, आप कहीं पे भी परसेंटेज इन्वॉल्व हो, खासतौर पे जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, अगर उन्होंने ये जवाब गलत दिया है तो बहुत तशवीश वाली बात है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है कि जब आपके पास परसेंटेजेस इन्वॉल्व हो, अब मैंने ये फिगर चेंज कर दिया बच्चे, ये मैंने 10% कर दिया लॉस 5% के लाभ बजाय, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक है 18974 इज द राइट आंसर। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, अगर आपने 100 की टर्म्स में एक वो बनाना है, एग्जाम्पल बनानी, इसका मतलब 10% लॉस का क्या मतलब है, 10% ऑफ योर यूनिट्स परचेज्ड विल बी डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस, यस और नो, ये बात हो रही है ना, 10% ऑफ द यूनिट्स परचेज्ड विल बी डिस्ट्रॉयड इन द ड्यूरिंग ट्रांजिट और व्हाटसोएवर, राइट। तो अगर मैं 100 यूनिट्स परचेज करती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 10 यूनिट्स डैमेज हो जाएंगे, नॉर्मल लॉस है ना, और मेरे पास बचेंगे कितने 90, अवेलेबल कितने होंगे 90, इज दैट क्लियर। अब आई हैव टू परचेज इन सच अ वे कि मेरे ये 90 यूनिट्स कोइंसाइड करें 1,80,000, मेरे पास बचे कितने होने चाहिए, मुझे चाहिए कितने, मुझे 1,80,000 यूनिट्स चाहिए। रिक्वायर्ड अमाउंट, गिवन अमाउंट का फॉर्मूला भी सबको याद चाहिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पता होनी चाहिए। तो मैं क्या कहूंगी, 1,80,000 इज एक्चुअली माई 90% ऑफ द टोटल परचेजेस। मुझे ये देखना है कि मेरी 100% ऑफ टोटल परचेजेस कितनी है, तो वो मेरे पास आती है 200,000 यूनिट्स। अब आप इसको दोबारा से रीचेक करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, 200,000 यूनिट्स अगर हम खरीदेंगे तो हमारे पास 10% ऑफ लॉस कितना बनता है 20,000 यूनिट्स, और हमारे पास बचे कितने होंगे पीछे, हमें रिक्वायर्ड जो है वो 1,80,000 बचेंगे। अब बात समझ आई, तो ये इतना आपने 10% इस पे नहीं अप्लाई करना बच्चे, 10% ऑफ ये तो फाइनल अमाउंट फिगर है ना, आपको तो पीछे अल्टीमेटली चाहिए 1,80,000। अब जल्दी से एक एग्जांपल नोट करें और उसको सॉल्व करें, ठीक है, जल्दी से एक एग्जांपल नोट करेंगे, तो ये प्रॉपर हमारी एग्जांपल, ये अपने पास नोटिंग होगी तो ये चीज आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी। ये इसको आप कह दें नॉर्मल ठीक है, प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेजिंग के टाइम पे नॉर्मल लॉस आप एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये बताया जा रहा है 2 kilograms ऑफ केमिकल एक्स It is estimated that the demand for PPG will be 2,85,000 units. Okay? It is also expected that 5% of chemical X is lost in transit. Okay? Aapko required kya hai? EOQ के लिए अब और भी इंफॉर्मेशन दी होगी, लेकिन हम सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, आपको रिक्वायर्ड क्या है, एनुअल डिमांड फॉर केमिकल एक्स। चलें जी शुरू हो जाए, फाइव मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करें इसको और मुझे अपने आंसर बताते हैं, जो समझ आ रहे करें सॉल्व।
जी जनाब। आवाज आ रही है सबको? टू लाख 80,000। टू लाख 85,000 के साथ 600,000 ग्राम 598,500। आयशा प्लीज डू शेयर। 1,50,000। इट्स ओके आयशा, नो इश्यूज बच्चे। 2,54,200 हसनैन। 254.2। हमजा का 541। व्हाट अ डाइवर्सिटी ऑफ सॉल्यूशंस आंसर्स राइट। कितने डाइवर्स आंसर्स है आप मुझे खुद सोच के बताएं। एग्जामिनर जब हमारे पेपर चेक करता होगा तो सर पीट के नहीं रह जाता होगा, मतलब चेक करें डाइवर्सिटी इन द सॉल्यूशंस। चलो ठीक है, 6 लाख के आसपास कुछ समझ में आ रहा है ना, 6 लाख के आसपास कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया राइट, लेकिन क्या डाइवर्स आंसर्स है, जबरदस्त बेहतरीन। अब जरा गौर से देखिएगा, पहली बात तो ये क्लैरिटी रखें, आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसका निकालना है, उस चीज का निकालना है जो आपने परचेज करना है, जिसका आपने ऑर्डर प्लेस करना है। तो दो चीजें आ रही हैं आपके पास, एक केमिकल एक्स आ रहा है, एक आ रहा है आपके पास फाइनल प्रोडक्ट राइट। यू आर अ मैन्युफैक्चरर, फाइनल प्रोडक्ट इज पीपीजी। क्या आप पीपीजी परचेज करेंगे? नहीं, वो तो मैन्युफैक्चर होगा। परचेज क्या होगा? केमिकल एक्स। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज किसका निकालना है? केमिकल एक्स का। एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी चाहिए? केमिकल एक्स की चाहिए। अब आपको उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि पीपीजी जो आपने सेल करना है वो सेल करने हैं 2,85,000 यूनिट्स। यस सर, यानी कि प्रोडक्शन पीपीजी की कितनी होगी? वो होनी है 2,85,000 यूनिट्स। यस, पीपीजी की। एक यूनिट ऑफ पीपीजी में 2 kilograms of chemical X are required. Is that clear? So, इसका मतलब ये हुआ कि we need how many kilograms of chemical X for production purposes? We need 2,85,000 multiplied by 2. Is clear? फिर आपको ये बात बताई जा रही है कि भाई आप जितना सामान खरीदते हैं ना, यानी कि 5,70,000 किलोग्राम्स तो आपको अल्टीमेटली आपके आपको इन हैंड चाहिए है ना, आपको आपके प्रॉपर आपके पास हो, गुड यूनिट्स हो केमिकल एक्स के। फिर आपको ये बताया जा रहा है कि 5% ऑफ केमिकल एक्स इज लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप परचेज भी 5,70,000 यूनिट्स ही करेंगे? क्या परचेज भी 5,70,000 किलोग्राम्स करेंगे? नहीं, ये तो वो है क्योंकि आपका लॉस होने के बाद आपके पास इतना होना चाहिए ना। तो दिस 5,70,000 शुड रिप्रेजेंट 95%। नो, है ना, 5% ऑफ केमिकल अगर एक्स जो है वो लॉस्ट हो गया है तो इसका मतलब ये भी आपके हाथ में जो पता होना चाहिए वो 570 होना चाहिए। तो परसेंटेज के टर्म्स में 5,70,000 इज व्हाट? इट्स योर 95%। तो गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट वाला फॉर्मूला सबको याद है ना, प्लीज से यस। रिक्वायर्ड अमाउंट वाला सिनेरियो सबको पता है, यस और नो? 5,70,000, तो वो चीज आप रुपीस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी चीज के लिए गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है? गिवन अमाउंट इन किलोग्राम्स इज व्हाट? 5,70,000, इट्स नॉट रुपीस, इट्स किलोग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस रिप्रेजेंट 95% ऑफ योर टोटल परचेजेस। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम परचेज करें कितना, हमें 100% चाहिए, तो कितना अमाउंट आ रहा है अब बताइए, इज दैट क्लियर? तो आपकी एनुअल डिमांड क्या होगी, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होगी? एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होती है? एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड जो आपने क्या लेना होता है फॉर ईओक्यू, दैट इज द अमाउंट टू बी द अमाउंट रिक्वायर्ड एनुअली, ठीक है? तो पूरी इसका मतलब है यानी कि टू बी परचेज, यस और नो? तो आपने एनुअल परचेज टोटल इसका मतलब है करना है 600,000 किलोग्राम।
आपने एनुअली परचेज करना है 600,000 किलोग्राम, तो आपकी ईओक्यू के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड, हमने डिमांड ये नहीं लिया 2,85,000 यूनिट्स नहीं ली, 2,85,000 तो फिनिश प्रोडक्ट की सेल की डिमांड है ना, हमें तो अपनी डिमांड हमें मतलब हुआ हमारी कितनी डिमांड है, इज दैट क्लियर? ये बात सबको समझ आ गई। तो ये जो एक छोटी सी चीज है कि अगर आपके पास नॉर्मल लॉस आ जाता है सिनेरियो के अंदर तो हमें किस तरह से करना है। अब एक जल्दी से हम जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, अभी तक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो है वो टच नहीं किया, इंशाल्लाह अभी हम करेंगे सब चीजों को। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं जरा। बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्लास वर्क भी हैं और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ज्यादातर पास्ट पेपर्स वगैरह हैं और क्लास वर्क के अंदर छोटी मोटी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, ठीक है? चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें। पुरानी अगेन पुराना क्वेश्चन बैंक है, अभी तक नया मेरे पास नहीं आया, मैं आपको फिर से जो है वो डिस्क्लेमर दे रही हूँ। इधर गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है? तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पर हमने आना है इसका। जिसके पास नया एडिशन आ चुका है तो वो काइंडली देख लें, इट इज आईकैप ऑटम 2015 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको जरा हम रीड करते हैं, मैं इसको स्टार्ट करवा दूंगी, फिर देखते हैं कंप्लीट कर सके तो कर लेंगे, अदरवाइज ये फिर आपका क्या हो जाएगा, होम असाइनमेंट हो जाएगा। एक और मैंने आपको होम असाइनमेंट देना है, ठीक है? चलें जी, चोको किंग चैट बॉक्स मैंने मिनिमाइज कर दिया, अगेन क्वेश्चंस होंगे तो आप टाइप कर दीजिएगा, मैं बाद में देख लूंगी। चोको किंग लिमिटेड सीएल प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स वेरियस ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स हैविंग एनुअल डिमांड ऑफ 80,000 केजी, ठीक है? यानी कि ये प्रोडक्ट, ये मैन्युफैक्चरर है, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है? तो यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है 80,000 किलोग्राम। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कोको पाउडर विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द चॉकलेट एंड रिप्रेजेंट 90% ऑफ द टोटल इंग्रीडियंट्स, ठीक है? तो कॉस्ट पर केजी कितनी है वो बता रहा है कि आपकी जो परचेज कॉस्ट फॉर द कोको पाउडर, नॉट फॉर चॉकलेट, ठीक है? चॉकलेट भी किलोग्राम्स में, लेकिन हम किसके ऊपर फोकस करें, हम तो अब रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो कोको पाउडर की कॉस्ट पर किलोग्राम परचेज कॉस्ट आपको पड़ी है 600 रुपीज पर केजी। प्रोसेस लॉसेज आर 4% ऑफ द इनपुट, तो ये परचेजिंग के टाइम पे भी लॉसेस हो सकते हैं, ये प्रोडक्शन के टाइम पे भी लॉसेस हो सकते हैं ना। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि जो 10% जो है लॉस है ये जो 5% ऑफ केमिकल एक्स जो लॉस होता है वो इन ट्रांजिट भी हो सकता है, यानी कि परचेजिंग के टाइम पे भी लॉस हो सकता है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि प्रोडक्शन के दौरान भी केमिकल एक्स 5% लॉस हो रहा है। तो आंसर आपका बिल्कुल नॉर्मल इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे ना। मुझे बस इस बात पे फोकस करना है कि मुझे अल्टीमेटली कितना चाहिए, मुझे इतना केमिकल एक्स चाहिए कि मैं अल्टीमेटली 2,85,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकूं पीपीजी के, राइट? तो दैट लॉस वुड बी ड्यूरिंग द परचेजिंग फंक्शन एज वेल, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फंक्शन एज वेल, द आंसर वुड द मतलब तरीका वुड बी द सेम टू टैकल द क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? तो प्रोसेस लॉसेज आर 4% ऑफ द इनपुट, यानी कि आपने इतना इनपुट करना है कोको पाउडर कि वो 4% लॉसेज होने के बाद, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हो सकता है कोई लॉस वॉस होता हो कोको पाउडर का, राइट? तो प्रोडक्शन लॉसेस होने के बाद जो है वो हमारा 80 किलोग्राम ऑफ चॉकलेट्स हमारी मैन्युफैक्चर हो, इज दैट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम है तो जल्दी से रेज कर दें, मैंने जो है वो चैट बॉक्स खोला है। नो क्वेश्चन एट ऑल, तो इट्स द सेम थिंग बेसिकली। एनुअल डिमांड ऑफिस 6 मिलियन, ये क्या है आपको, इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट ही दे दी है परचेजिंग डिपार्टमेंट की, राइट? यानी कि ऑर्डरिंग से ताल्लुक है इस चीज का, तो 6 मिलियन वेरिएबल है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एट 120, तो इन्होंने ये 120 के बेसिस पे 6 मिलियन कैलकुलेट किया होगा। तो आपको क्या चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ ईओक्यू, यूनिट कॉस्ट पर ऑर्डर, तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 120, सिंपल एज दैट। स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज ₹20 पर केजी पर मंथ। अब इन्होंने आपको क्या दिया है ये, अब मुझे बताएं क्या इसको हम कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे ईओक्यू के लिए? हैंडलिंग कॉस्ट बिल्कुल बनेगा, बनेगा क्यों बनेगा? नो क्यों कह रहे हैं, क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे इसने आपको फिक्स्ड अमाउंट नहीं दी हुई, उसने बताया हुआ है कि वो पर केजी के हिसाब से है। वेरी गुड अब्दुल्ला,
इज दैट क्लियर? वो उसने ये तो नहीं बताया हुआ ना कि स्टोरेज कॉस्ट जो है वो टोटल 1 लाख रुपीज है, फिक्स्ड है पर मंथ. वो ये कह रहा है कि भाई इट इज 20 पर केजी, तो जितना आपकी एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा होगी उतनी स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा होगी. यस और नो? तो हमारी स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज कर रही है ना विद द लेवल ऑफ एवरेज इन्वेंट्री. अदर कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹5 पर केजी पर मंथ. तो याद रखिएगा हमें पर एनम चाहिए. तो हम कैसे करेंगे इसको, वो देख लेते हैं. CL maintains a buffer stock of 2000 kilograms. आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सबसे पहला काम तो EOQ है आपका. तो अब EOQ के लिए जब हम वर्किंग करेंगे तो दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो EOQ के लिए जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो EOQ के लिए जरा पहले जितनी चीजें हमें चाहिए ना वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहली चीज क्या है, योर एनुअल रिक्वायरमेंट और योर एनुअल डिमांड. कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप मुझे जरा बताइए कि 80,000 किलोग्राम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट के लिए पहले तो मुझे बताएं कि टोटल कोको कितना चाहिए, कोको पाउडर कितना चाहिए बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. 90% 72,000 आपको चाहिए. बिल्कुल सही सालम. क्या कोको पाउडर आपका जो मतलब जो लॉस्ट यूनिट के बाद जो बेसिकली पड़ता है. वेरी गुड. नहीं ये गलत गया आसिफ. पहले तो आप मुझे ये बताएं ना रिक्वायर्ड प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड कितना है. आपको 80,000 किलोग्राम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, है ना. आपको ये बात पता है कि 80,000 में 90% जो है वो क्या है, कोको पाउडर चलता है. तो अगर मैं किलोग्राम्स में ही निकालूं, ऑब्वियसली ये भी किलोग्राम्स में ही पड़ेगा, तो मेरे पास एक्चुअली कितना बनता है, 72,000 किलोग्राम्स मुझे पता लगता है कि भाई मुझे कोको पाउडर चाहिए ही चाहिए. वेरी गुड. राइट, रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन इतना. अब आपको ये बात बता दी गई कि भाई 4% ऑफ द इनपुट जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, ठीक है, वो डैमेज भी हो जाता है प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर. तो मुझे तो 72,000 चाहिए. सही सालम, यानी कि 72,000 अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना होगा, यानी कि मुझे परचेज टोटल करना कितना है. 72,000 तो वो है जो मुझे बिल्कुल सही हालत में चाहिए, एंड दैट रिप्रेजेंट्स 96%. ठीक है, 96% जो है दैट रिप्रेजेंट्स 96% ऑफ योर टोटल परचेज. और मुझे क्या चाहिए, मुझे 100% चाहिए. क्या आंसर आ रहा है, 75,000. Is that clear? तो 75,000 किलोग्राम्स उसका मतलब है कि आप परचेज करेंगे कोको पाउडर, है ना. 75,000 किलोग्राम्स ऑफ कोको पाउडर आप परचेज करेंगे, 3,000 किलोग्राम्स प्रोसेस में लॉस हो जाएगा. तो 72,000 किलोग्राम्स जो पीछे बचेगा उस कोको पाउडर से फिर आप प्रोड्यूस करेंगे 80,000 किलोग्राम्स ऑफ चॉकलेट. इज दैट क्लियर? तो आपने बेसिकली EOQ के लिए जो आपको चाहिए वो चाहिए 75,000. यहाँ तक बात समझ आ गई, एक चीज तो ये होगी. अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर. यस और नो? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, इसके लिए इन्होंने आपको बता दिया गया 6 मिलियन टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी. अगर वेरिएबल ना दिया होता तो फिर हम पहले वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं. दैट क्लियर? यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट, अगर तो ये टोटल कॉस्ट दी जाती है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की, तो पहले हम वेरिएबल एलिमेंट इसका कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको डिवाइड बाय 120 करते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 50,000 पर ऑर्डर. ठीक है जनाब, चलें जी आगे चलते हैं. फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. यस और नो? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. तो अब हम जरा कैरिंग कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन पर आते हैं. वेरी गुड अनु, वेरी गुड. स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज 20 पर किलोग्राम पर मंथ. तो ये बात तो हमने डिस्कस कर ली कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एवरेज इन्वेंट्री बढ़ेगी उतना हमारा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा. तो ये तो हमारा लिए हो जाएगा रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ EOQ. यस और नो? ठीक है, तो 20 पर किलोग्राम, लेकिन आगे मसला है पर मंथ. तो मुझे बताइए पर किलोग्राम पर एनम कितना बनेगा. तो ये आपके पास हो जाएगा स्टोरेज कॉस्ट पर किलोग्राम पर मंथ चाहिए हमें. तो 20 × 12, ठीक है, ये पर किलोग्राम पर मंथ हो गया. 20 × 12 पर यूनिट पर एनम. यस और नो?
दूसरी चीज आपको कह रहा है अदर कैरिंग कॉस्ट, चलें हो सकता है उसमें और भी चीजें हो, अदर कैरिंग कॉस्ट भी हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन भी पर किलोग्राम पर मंथ के हिसाब से या राइट. तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 12 यानी कि ये हो जाएगा 60 पर यूनिट पर एनम. तो टोटल हमारे पास कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना बनता है, 300 पर यूनिट पर एनम. अब हो गया सॉल्व, हो जाएगा. तो अब हमारे पास ईओ क्यू क्या होता है, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बता दें. फाइव थाउजेंड यूनिट्स अब्दुल्ला कह रहे हैं, 5000 यूनिट्स यही आ रहे हैं, ईओ क्यू का आंसर यही आ रहा है. चलें जी, गुड हो गया. इज दैट क्लियर, यस और नो? 5000 यूनिट्स. अब आपके पास सारी चीजें आ गई. अगला पार्ट क्या कहता है, बस अगला पार्ट रीड करते हैं, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया. A vendor has offered to CL a quantity discount of 2% on all orders of a minimum of 7500 kgs. Advise CL whether the offer of the vendor may be accepted. अब यहाँ पे क्या scenario है, आपने EOQ calculate किया, ignoring trade discount ही हुआ ना. Part A में तो कोई trade discount की बात थी नहीं, उस time तक तो आपका कोई offer हुआ ही नहीं था. Yes or no? आगे चलते हैं. अब क्या पोजीशन है, अब वो आपको कह रहा है कि भाई अगर आप मिनिमम ऑफ 7500 केजीज करते हो ऑर्डर, तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा. अब मुझे आप बताएं डिसीजन मेकिंग इस सिनेरियो में होगी ना, है ना. अब इस सिनेरियो में डिसीजन मेकिंग है, तो अब हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट को कंपेयर करना है, और अब टोटल कॉस्ट में हमारा परचेज कॉस्ट भी पार्ट बनेगा. यस और नो? अब बात क्लियर हो रही है. अब मुझे एक बात बताइए, 5000 यूनिट जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, उस पर तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलना ही नहीं है, है ना. उस पर तो आपका ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, ऑफर ही नहीं हुआ आपको. तो क्या आप इधर रिकैलकुलेट करोगे ईओक्यू? नहीं. क्या यहाँ पे ईओक्यू विद ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे? नहीं, क्योंकि ईओक्यू के लेवल पे ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं. तो ईओक्यू के लेवल पे कैरिंग कॉस्ट पर एनम 300 है, बाकी सारी चीजें वही है, उसमें कहीं पे भी आपने रिवाइज डिस्काउंट जहां जहां भी अप्लाई होता है वो नहीं लेकर जाना. Is that clear? तो अब आप क्या करेंगे, दूसरी बात जैसे मजे की ये है कि इस सिनेरियो में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है वो हमारी परचेज कॉस्ट पर डिपेंडेंट है भी नहीं. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई. अगर आपको रिकैलकुलेट करना भी होता ना, अगर ईओक्यू फॉर एग्जांपल कैलकुलेट होता 8000 यूनिट, अगर ईओक्यू पार्ट ए में 8000 यूनिट होता, तब भी हमने दोबारा कैलकुलेट करना ही नहीं था. क्यों? क्योंकि इस सिनेरियो में ईओक्यू के फॉर्मूले में कहीं पे भी परचेज कॉस्ट पर यूनिट तो इस्तेमाल हो ही नहीं रही. नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे होती है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में इस्तेमाल हो रहा होता है ना, 16% ऑफ परचेज कॉस्ट, राइट. यहाँ पे जिन्होंने आपको कैरिंग कॉस्ट दी हुई है वो ऑटोमेटिकली पर केजी दे दी हुई है, आपको किसी परचेज कॉस्ट पे अप्लाई करना ही नहीं है. इज दैट क्लियर? तो इन एनी केस यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे पार्ट बी के लिए आपने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट, जिसमें क्या आ जाएगा, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट. आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एट ईओक्यू, और फिर आपने टोटल कॉस्ट, यही सिनेरियो है ना, यही सिनेरियो, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपने कैलकुलेट करनी है एट व्हाट, एट 7500 केजी, है ना. तो 7500 यूनिट्स पे आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कंपेयर एंड डिसाइड. हो जाएगा सवाल, ये खुद अटेम्प्ट करना है आपने. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर होम असाइनमेंट. जी, कोई सवाल तो नहीं था, मैंने चैट बॉक्स अभी खोला है. तो एक आपके पास होम असाइनमेंट हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, एक होम असाइनमेंट हो गया, यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, एंड द अदर होम असाइनमेंट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1.
इज दैट क्लियर? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर. अब बिफोर आई एंड द क्लास, मैं जरा आप लोगों की प्रोग्रेस आप लोगों के सामने जरा लेकर आऊं. और जो लोग खास तौर पे रेड में हाईलाइटेड हैं, प्लीज दो मिनट मुझे दें. नोबडी लीव द मीटिंग. अभी कोई मुझे जो है वो मीटिंग एग्जिट करता हुआ नजर ना आए. जो आपको नाम, जिन बच्चों के नाम नजर आ रहे हैं आपको ग्रीन में, जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे. इन्होंने सारे के सारे जितने भी मैंने चार पांच होम असाइनमेंट दिए हैं, उन स्टूडेंट्स ने सारे होम असाइनमेंट सबमिट कराए हैं. ठीक है, ये इसको हटा के मैं करंट कल वाले होम असाइनमेंट को मैंने नहीं ऑब्वियसली बात है अभी तक चेक किया. तो फैसल, कामरान, आकिफ, मुर्तजा, सारिम, दिलशाद, सनारूज, मोहम्मद शाहरुख, शाहजेब शेख, फरजीन, अब्दुल्ला, अहमर, मोहम्मद साद जलानी एंड एमन शकील, गुड जॉब यू गाइज. आप लोग बिल्कुल कंसिस्टेंट हो. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो ग्रे में है, जो थोड़ा लाइट ब्लू टाइप का है, उसमें ये कि थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है. पिछले दो हैंड असाइनमेंट्स तो उन्होंने सबमिट कराए हैं मोस्टली ने. ठीक है, लेकिन मतलब चार असाइनमेंट्स में चलो दो करा लिए, बाकी नहीं किए. मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अवैस किधर है? मोहम्मद अवैस नहीं है. एम आसिफ, अच्छा नहीं, वो नहीं है. मोहम्मद अवैस है, मोहम्मद उस्मान तो फेल है, मोहसिन रजा, समरा शहजादी, मोहम्मद बिलाल, शबनम, अहमद वलीद, सुंदर, मुनीबा, मेजोरिटी अभी इसी में फॉल कर रहे हैं, मोहम्मद आसिफ, उम्मे हबीबा, तौकीर, मैर, नजीर, हसनैन और सबीना मन्नान. आप लोगों ने जो है वो कुछ जो है वो होम असाइनमेंट सबमिट कराए, कुछ नहीं कराए, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि भाई आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं. और अब बारी आती है किन लोगों की, जो रेड जोन में स्टूडेंट्स हैं, कि इनमें से सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहला होम असाइनमेंट सबमिट कराने की जो है वो जहमत की और बाकी उन्हें नहीं की. तो पहली बात तो ये कि हमारे पास तकरीबन 76 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं इन द सेशन. ठीक है, और सब सबमिट कराए बिलाल, फिर हो सकता है रह गया होगा. तो अटेंडेंस हमारी होती है बेरली 40 स्टूडेंट्स की. तो ये वजह मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या वजह, मतलब आपके पेरेंट्स अगर आपके पैसे दे रहे हैं, आपको उन्होंने इनरोल किया है, इसका मतलब है आपने पेमेंट तो किया है फीस की, राइट? तो मुझे नहीं समझ में आ रही, अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, सुनते हैं क्या है, तो ठीक है, वो कोई वजह होगी. ठीक है, कोई वजह होगी, आप रिकॉर्डिंग्स या तो सुन रहे हैं, और अगर आप रिकॉर्डिंग्स भी नहीं सुन रहे, आपने सिर्फ रजिस्टर करवाया उसके बाद आप गायब हो गए, तो देर इज नो वे कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच सके, तो इसलिए उसको मैं जो है वो नहीं देख रही. अच्छा जी जेबा, ठीक है, मैं देख लूंगी उसको. आपने व्हाट्सएप पे कराए हमजा, ठीक है जनाब, ठीक है. अगर तो आप रिकॉर्डिंग्स पे रिलाय करते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन होम असाइनमेंट भी तो सबमिट कराए ना, लेट कराए. जिसमें मैंने ये जो लिस्ट अपडेट किया है, मेरे ख्याल से मैंने कल रात को बैठ के की है, तो ऐसी बात नहीं है. मैं ऑब्वियसली बात है हफ्ता दस दिन के बाद ही जो है ये वाली लिस्ट अपडेट किया करूंगी, उसके बाद सबके कान खींचा करूंगी. तो इसमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी मोहलत मिल सकती है, चले मिल जाएगी आपको मोहलत. ठीक है, तो ये जरा जो स्टूडेंट्स हैं वो जरा अब थोड़ी होश पकड़ लें. अभी तो मैं कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन नेक्स्ट टाइम से फिर मैं देखूंगी कि भाई कौन 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 से स्टूडेंट्स हैं. मैं पूरा इस पर टाइम लगाऊंगी, आपके क्लास का टाइम अब वेस्ट होगा तो होगा, इसमें मैं अब कुछ नहीं करूंगी. आसिफ हुसैन जी जनाब, हर रोज आप मुझे क्लास में नजर आते हैं, लेकिन आपका होम असाइनमेंट में मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा. आसिफ हुसैन, जी तो क्लासेस लेने का फायदा है ना. चले, हारून ने मुझे बता दिया था कि उनका क्या रीजन है. उसके अलावा हमारे पास और कौन कौन है, आयशा खालिद, आयशा अहमद है, आयशा खालिद में आते आप वही हैं, है ना, तो आप भी थोड़ा सा होश पकड़ लें. दिलशाद तो है, ग्रीन में ही है. फिर इसके अलावा और कौन कौन है, खैर बहुत सारे, अभी मैं कंपैरिजन बाद में करूंगी. फैजान साहब ने अपना बता दिया रीजन, ठीक है, तो थोड़ा सा अब आप इसमें, फारूक अहमद आप भी ऑनलाइन होते हैं, ठीक है. बाकी हमजा बशारत है, अब ये मुझे नहीं पता कि हमजा इमरान भी देखें. आप क्वेश्चंस भी मेरे से पूछ रहे होते हैं, कोई होम असाइनमेंट क्यों नहीं आपका सबमिट हुआ होता, दैट्स वेरी बैड. हसनैन ने भी जो है, हसनैन का तो ग्रीन में और ग्रे में मेरे ख्याल से है ना, तो ये जरा थोड़ा सा आप ना करें, इसके ऊपर वर्कआउट करें. मैं लिस्ट मेंटेन कर रही हूँ, मैं उसको नजरों में भी रखूंगी. जी चलें, ठीक है. आयशा जी, अवैस भी, व्हाट्सएप देखें हमजा, चलें ठीक है. मुझे दोबारा व्हाट्सएप करें, हो सकता है मिस आउट हो गया होगा. ठीक है,
फैमिली इशू है, बच्चे देखें पढ़ाई में थोड़े से इश्यूज को मतलब करना पड़ेगा ना साइड पे, है ना। अब पढ़ाई के लिए अब अगर कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैनेज करें, अगर तो हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, मुझे नहीं पता कि आपके क्या इश्यूज हैं, किस क्या लेवल है इन इश्यूज का, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है। ठीक है, आपकी अपडेट नहीं हुई है वैश, आपने सबमिट कराए हुए चलें। साथ आपको मैंने शायद मैसेज, आप ही ने मुझे शायद सुबह मैसेज किया था, आप काइंडली मिस फरा से कांटेक्ट करें फॉर दिस। ठीक है जी, जिन लोगों के रिकॉर्ड में मसला है ना, वो मुझे जरा दोबारा से व्हाट्सएप कर दें अपने होम असाइनमेंट्स वगैरह जो व्हाट्सएप, इसीलिए मैं पता है अवॉइड करती हूँ व्हाट्सएप पे लेना। व्हाट्सएप पे आप मुझे तभी सबमिट कराएं अगर खुदा ना खास्ता एलएमएस पे, अच्छा एलएमएस पे हर हाल में क्लास से पहले बन जाएगा। ठीक है, तो आधा 10 मिनट पहले क्लास से जरा चेक कर लिया करें। ठीक है, तो एलएमएस पे जो है वो क्लास से पहले तो लाजमी तौर पे बन जाया करेगा, एलएमएस पे ही अपलोड करें वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए, वहां से एक्सट्रैक्ट करना। व्हाट्सएप पे और भी कॉन्वर्सेशन होती हैं तो वो आगे पीछे हो जाता है। अच्छा जी, मैं कौन सी बुक से करवा रही हूँ, पैक का क्वेश्चन बैंक है। चले जी, अब इसको जरा साइड पे करते हैं। अब मैं जी बिल्कुल, यू कैन लीव द क्लास, ऑडिट की क्लास के लिए अब जा सकते हैं। ठीक है हमजा, मैं आपका रिकॉर्ड अपडेट कर दूंगी, आप मुझे दोबारा से सेंड कर दें उसको। गिफ्ट मिलना चाहिए, अच्छा जी आपको मैं दे देती हूँ गिफ्ट। ठीक है, क्या चाहिए आपको? ठीक है हमजा, टेंशन ना लें, ये कहीं जाएगा नहीं, आई कैप मैं नहीं भेज रही इसका कि आपको बैन कर देंगे वो पेपर देने से, ये मेरा अपना रिकॉर्ड है, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी अगर आपका रेड में नाम आ गया, आपको मैं ग्रीन में ले आती हूँ, नो इशू। अपलोडेड है आपके अहमद, अच्छा मैं देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं वही कह रही हूँ ना, आप थोड़ा सा चेक कर लिया करें क्लास से पहले, 10 मिनट पहले तक हो जाया करेगा अगर तो कभी इस तरह, वैसे मैं भूल जाती हूँ, मुझे मसला ये है कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे फौरन से मैसेज पर रिमाइंडर डाल दिया करें, क्लास के फौरन बाद ही मैम एलएमएस का सेक्शन बनाना है अपने होम असाइनमेंट का, अभी भी मैं बैठ के फौरन से बनाती हूँ। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग अब बंद कर रही हूँ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। द रेस्ट ऑफ यू कैन लीव फॉर ऑडिट। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है ईओक्यू के अंदर तो वो मुझे अभी बता दें, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं।